और आतंकी मुर्तजा से जुड़ी हुई सुपर एक्सक्लूसिव खबर है, एटीएस से अरबी भाषा की किताब के रहस्य को सुलझाया है। आतंकी मुर्तजा के पास मिली थी अरबी भाषा की किताब। अरबी भाषा की किताब में कई शब्द मार्कर से हाईलाइट थे। जांच एजेंसी ने कई शब्दों के कोड वर्ड को डिकोड किया। अरबी कोड से जांच एजेंसियों को नहीं था होता था शक, और किताब में अरबी में लिखा फ्लाइट शब्द हाईलाइट था। ब्रेन वॉश के लिए अल जिहाद शब्द कोड वर्ड होता था। बड़ी घटना के लिए जन्नत शब्द का प्रयोग किया जाता था। और यूपी एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा का बड़ा खुलासा। एटीएस की जांच अभी पैसे को लेकर जारी है और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी मुर्तजा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को मुर्तजा की फंडिंग के तरीके का पता चला है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा ने यूपी एटीएस से पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। मुर्तजा ने यूपी एटीएस को यह बताया है कि जब उसने अपने अकाउंट से तमाम पैसे ट्रांसफर किए तो वो अकाउंट्स जांच एजेंसी की रडार पर आ गए। उसके बाद उसने पेपल ऐप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। चूँकि उसको तमाम जगहों पर पैसे भेजने थे, आईएसआईएस को उसने पैसे भेजे, इसके साथ ही सीरिया को पैसे भेजे, नेपाल के जरिए ये पूरा जो ट्रांसफर था वो किया जाता था। और ऐसे में इसी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है नए तरीके से शुरू किया गया, पेपल ऐप के जरिए जो पैसा है वो भेजा, जिसमें उसका आधार कार्ड जो है वो लिंकअप कराया गया था। और ख़ास बात यह है कि अगर हम बात करें तो इस पैसे भेजने को लेकर उसने कई तरह के जो तैयारियां हैं वो की थी, और कई तरह के जो ऐप चूँकि वो खुद डिज़ाइन कर रहा था, तो ऐसे में उसका अकाउंट्स जांच एजेंसी की रडार पर ना है, इसके लिए वो विशेष तौर पर जो है ध्यान देता था। और चूंकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग के तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ऐसे में अब जांच एजेंसी इस ऐप के जरिए कितना पैसा भेजा गया है, कहां कहां पर ये पैसा भेजा गया है, ये पता लगाने में जुट चुकी है। कैमरामैन विशाल वर्मा साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।